तो हेलो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फोक्स ऐप को ओपन कर लेते हैं। आप लोगों को सारा डिटेल समझाने वाले, सारा फुल अपडेट न्यू फ्यूचर के साथ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ओपन करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। अब इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर आप लोग यू और फाइल्स पर जाओगे और यहाँ पर सेकंड नंबर फोल्डर ओपन करने, ये सारे वीडियोज़ इसमें अवेलेबल है। और आप लोग इसको कैसे सेव कर, यहाँ पर इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर सारा कुछ डिटेल आप लोग को समझाने वाला हूँ। ब्राउज़र पे चलते हैं, यहाँ पर आप लोग को न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर यूट्यूब पर जाते हैं। इस वीडियो एंड तक देखने, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। और यहाँ पर यूट्यूब पर जाने के बाद यहाँ पर हम लोग कुछ अपना चैनल सर्च करेंगे। इसकी कोई वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि वो सर्च करेंगे 3K Tech। ठीक है, तो जल्दी से 3K Tech को सर्च कर लेते हैं हमारे चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वीडियो पर क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर न्यू वीडियोस पर आ जाते हो, जो हाउ टू यूज़ KP ऐप इन आईफोन पर मैंने क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग लोडिंग तो लेगा। और यहाँ पर आप लोग के सामने इस तरह इंटरफेस आएगा, तो सेकंड नंबर आप लोगों ने चूज़ कर देना है। और यहाँ पर चूज़ करने के बाद थोड़ा सा एड्स तो चलेंगे क्योंकि ये फ्री है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्लोज़ करना है और यहाँ पर आ जाने हो, ये फर्स्ट नंबर फोल्डर है, इसको ओपन करें। यहाँ पर सामने हो रहा है, हो चुका है। अब यू और फाइल पर चलते हैं और यहाँ पर आप लोग सेकंड फोल्डर ओपन करके ऊपर आप लोग देख सकते हो हाउ टू यूज़ KP ऐप इन आईफोन, ये हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग इसको अपनी होम फोटोज़ में भी सेव कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 10 MB का फाइल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो। इस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। अभी ये ऐप कहाँ से मिलेगा और ये सारे ट्रिक जो मैंने इस्तेमाल किए हुए, अभी कुछ ऐप्स जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें काम कर रहे हो, कुछ में नहीं काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जब ऐप स्टोर से यूज़ कर रहे तो उसमें काम नहीं कर रहे, ऐप स्टोर वाले में काम नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों को मैं दोबारा से बताऊं कि ऐप स्टोर वाले में काम नहीं कर रहे, क्या कर लेते हैं, फोक्स FM ऐप डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं ऐप स्टोर पर और उसको यूज़ कर लेते हैं। और फिर बाद में कॉमेंट कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, और आप लोग के सामने मैंने काम करके दिखा दिया। तो आप लोगों ने सिंपल सा क्या करना है, सफारी ब्राउज़र पे जाना है। अब सफारी ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पर आप लोग के सामने इस तरह इंटरफेस आएगा। न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ पर आप लोगों ने फोक्स FM ऐप, आप लोगों ने सिर्फ सफारी ब्राउज़र पे जाना है। ठीक है, ऐप स्टोर पे नहीं जाना। सफारी ब्राउज़र पे जाने के बाद ये ही आप लोगों को ऐप स्टोर पे लेके जाएगा। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और फर्स्ट नंबर जो ऐप है ये ही फोक्स FM ऐप है, इसको यूज़ करें। न्यू फ्यूचर है, न्यू अपडेट के साथ आप लोग को ये वीडियो मिल रही है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और फोक्स FM ऐप को यूज़ करो। बेस्ट ऐप है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। 102 MB का है, 102 MB का यहाँ पर इसके रिव्यूज आ रहे हैं, तो हर वीडियो में दिखा दे रहता हूँ। तो आप लोग इसको यूज़ करो। दोबारा से समझाऊं कि ऐप स्टोर वाले यूज़ मत करो, उसमें ये वाली फीचर नहीं मिलते। आप लोग को सफारी ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलो आप लोग को थंबनेल बनाना भी सिखा देते हैं। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और पिक्स आर्ट पर चलते हैं और आप लोग को थंबनेल बनाना भी सिखाते हैं। हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि आप लोग वीडियो भी बनाओ और आप लोग देखो कि अब मैं अपने यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ के लिए थंबनेल कैसे बनाता हूँ। अभी जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसी की थंबनेल में बना रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से थंबनेल बनाते हैं आप लोगों के लिए। अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग अपडेट, अमेजिंग लिख देते हैं और अमेजिंग, और उसके बाद अपडेट लिखेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ सेट कर दें और अब अपडेट लिखते हैं। अपडेट खुद टिक करेगा, ठीक है, अमेजिंग अपडेट। अब इसको भी छोटा करना है, इसकी साइज़ के बराबर करना है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर करना है, थोड़ा सा यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा अंदर के साइड करना है, ठीक है। अब इसकी कलर क्या करनी है, वाइट करनी है, ठीक है। वाइट करने के बाद स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक को जल्दी से स्ट्रोक देते हैं, AI को क्रॉस कर लेते हैं। स्ट्रोक देने के बाद यहाँ पर हम लोग चलते हैं शेडो पे, शेडो फुल कर लेते हैं, पोजीशन पे भी यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी कलर क्या कर लेते हैं, येलो, वाइट और येलो की खूब बनती है, ठीक है। और यहाँ पर जल्दी से दोबारा से स्ट्रोक देते हैं, स्ट्रोक देने के बाद यहाँ पर शेडो पर चलते हैं और शेडो को थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसको अप्लाई करना है, अमेजिंग अपडेट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ़ोन को सेलेक्ट करेंगे, फ़ोन को सेलेक्ट करने के बाद अमेजिंग अपडेट को लॉक कर देंगे, क्योंकि ये अक्सर क्या होता है कि
बच जाता है। फ़ोन को थोड़ा सा बराबर कर लेंगे और यहाँ पर सेट कर लेंगे और ठीक है। अमेजिंग अपडेट फोक्स FM, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे, फ़ोन को लॉक कर देंगे। जो जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोग साथ साथ करें तो आपको क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़ेगा। अब इसकी कलर क्या करेंगे, ये वाली करेंगे क्योंकि ये भी इसके साथ फुल जचता है। सॉरी, ठीक है। अब ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है कि सिंपल सा पेड फ़ोटो पे चलना है और यहाँ पर जो फ़ोटो हमने लगाई है उसको कट करना है। बेसिकली समझाऊँ कि हमें वाइट चाहिए, ठीक है, वाइट वाला, क्योंकि एप स्टोर पे भी अवेलेबल होता है हर चीज़ पे और वाइट दिखेगा भी, ठीक है। तो वाइट वाली की स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं इस तरह। अब चलते यहाँ पर स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह आप लोग कर सकते हो। इन आईफोन ऑन लिखते हैं, इन बोथ लिख दिया, अब ऑन आईफोन लिखते हैं, पता नहीं वायरल हो जाए। और यूट्यूब बेस्ट यूट्यूब है, यूट्यूब आप लोग यूज़ कर सकते हो, कमाल यूट्यूब है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूट्यूब को ही दो क्योंकि यूट्यूब कमाल का है। और इस पर आप लोग वीडियोज़ देखो और इसको यूज़ करो। इसमें आप लोग जो अपडेटेड आप लोग एजुकेशन कर सकते हो, इसमें बिल्कुल फ्री में आप लोग इसकी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी सेट कर लेते हैं, यहाँ पर डन कर लेते हैं, ठीक है। अब वीडियो को देखते हैं कि कितने मिनट हो चुके, इसको ख़त्म।